नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कैटरीना कैफ का ये इंस्पायर्ड मेकअप लुक। कुछ दिन पहले उन्होंने इंस्टा पे ये पिक शेयर की थी और मुझे उनका ये मेकअप लुक काफ़ी अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस मेकअप लुक को आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और मैंने जस्ट यहां पर एक छोटी सी कोशिश की है गाइज, तो प्लीज़ जज बिल्कुल मत करना। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा। तो चलिए देख लेते हैं, मैंने काफ़ी अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ ये मेकअप लुक किया है, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लिया है और अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ सौंदर्या की एलोवेरा जेल। ये पतंजलि की सौंदर्या एलोवेरा जेल है और मैं इसे एज अ फेस प्राइमर लगा रही हूँ, क्योंकि मैं आज अपना ये मेकअप लुक करने वाली हूँ लैक्मे सीसी क्रीम के साथ। और जब भी आप कोई सीसी या बीबी क्रीम लगाते हैं या फाउंडेशन अप्लाई करते हैं, तो उससे पहले आपको प्राइमर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे आपके ओपन पोर्स भी जो होते हैं वो मिनिमाइज़ हो जाते हैं और आपका जो बेस है वो फ्लॉलेस बनता है और आपकी क्रीम भी अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ लैक्मे 925 सीसी क्रीम और सभी प्रोडक्ट्स की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और अब मैं इसे ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और ये थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी में होती है, तो मैं इसे बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करूँगी, क्योंकि हमें कोई भी बीबी क्रीम या सीसी क्रीम होता है तो अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अब मैं यहाँ पर मेबेलिन कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से अपने बीबी क्रीम को अच्छे से सेट कर लूँगी, क्योंकि मेरी थोड़ी ऑयली स्किन है और ऑयली स्किन वालों को कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब भी आप कोई फाउंडेशन या बीबी सीसी क्रीम अप्लाई करते हैं, ताकि आपका जो बेस है, जो आपका मेकअप है, वो फ्लॉलेस दिखे और ऑयली ना दिखे आपका फेस, इसलिए कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब मैं अपने आईब्रोज को सेट कर लूँगी, पहले इस ब्रश की हेल्प से कॉम कर लूँगी अपनी आईब्रोज को। और ये कैमलिन की ब्रो पेंसिल है। और अब मैं कंसीलर लगा लूँगी अपनी आईज़ पर, ताकि जो मेरा आई शेडो है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए और उसका कलर भी काफ़ी अच्छा दिखे। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ मॉर्फी के पैलेट से ये रेड कलर ले रही हूँ। और ये आपको रेड कलर लगेगा, बट ये रेड कलर नहीं है गाइज। ये जब आप इसे ब्लेंड करते हैं तो ये थोड़ा पीची शेड में आ जाता है, जो कि कैटरीना कैफ का जो मेकअप लुक है वो आपने देखा होगा पीची कलर का उन्होंने मेकअप किया हुआ है। मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और अब मैं यहाँ पर हुडा ब्यूटी के पैलेट से ये बेबी पिंक कलर का शेड ले रही हूँ। इसे भी मैं पूरी आईलिड पर लगा लूँगी अच्छे से और ब्लेंड कर लूँगी इसे। और अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर हुडा ब्यूटी के पैलेट से ये सिल्वर कलर का शेड। इसे मैं अपनी हाफ आईलिड पर लगाऊंगी, सिर्फ सेंटर में प्लेस करना है आपने इस शेड को थोड़ा सा। आप चाहें तो ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ पर फिंगर की हेल्प से लगा रही हूँ। ये शिमर शेड है। और अब मैं ये ब्लू हेवन का आईलाइनर लगा लूँगी। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मेबेलिन का मस्कारा। और अब मैं यही पिंक कलर का शेड अपनी लोअर लैश लाइन पर भी लगा लूँगी और इसे थोड़ा सा स्मच करते हुए लगा लूँगी मैं। और अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ब्लू हेवन का काजल। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने फेस को कंटूर। और अब मैं अपनी नोज़ को भी कंटूर कर लूँगी। और अब मैं लगा रही हूँ ब्लश। और अब मैं लगा लूंगी शिमर ब्रिक्स हाइलाइटर। ये सिवाना का शिमर ब्रिक्स हाइलाइटर है। और अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ किस ब्यूटी की ये पिंक कलर की लिपस्टिक। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिपस्टिक लगा ली है और आप देख सकते हैं। और अब मैं इस न्यूड ऑरेंज से कलर से अपनी बिंदी ड्रॉ करूँगी, क्योंकि कैटरीना की बिंदी आप देख सकते हैं कुछ इसी तरह के डिज़ाइन में है। और मैंने जस्ट यहाँ पर पेंसिल ब्रश की हेल्प से इसे लगाने की कोशिश की है, तो आप मुझे कमेंट में प्लीज़ बताइएगा कि मेकअप लुक कैसा लगा आपको ये मेरा। और अब मैं यहाँ पर मेबेलिन का मस्कारा लगा रही हूँ
और मैंने यहाँ पर ऑफ कैमरा अपनी फेक आईलैशेस को लगा लिया था। सो गाइस, ये है मेरा फाइनल लुक। आई रियली होप कि आपको मेरा ये मेकअप लुक पसंद आया, और पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो, और आगे भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोज़ लेकर आने वाली हूँ। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरा मेकअप लुक कैसा लगा, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। मैं मिलती हूँ और भी अमेजिंग सी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।